हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे सभी प्यारे दोस्तों को मेरे चैनल पर और एक नई वीडियो देखने के लिए बहुत 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 स्वागत है। फ्रेंड्स, अभी मॉर्निंग का टाइम है, टाइम हो रहा है अभी सुबह का 7:30 बजे का टाइम है। अभी जो हस्बैंड और बाबू फ्रेश होके आए हैं और उनके लिए सुबह मैंने नाश्ते में बनाया है छोले आलू की सब्ज़ी और साथ में है रोटी। बाबू के लिए घी वो लगा दिया, ये है टिफ़िन के लिए और है छोले की सब्ज़ी, छोले आलू की सब्ज़ी। और ब्रेकफास्ट के लिए है सबके लिए पराठा और छोले आलू की सब्ज़ी। बाबू को ज़्यादा पराठा पसंद नहीं है तो हस्बैंड के लिए पराठा और बाबू के लिए है रोटी सब्ज़ी, क्योंकि पराठे से ज़्यादा रोटी सॉफ्ट होती है तो रोटी के साथ उसे सब्ज़ी खाना पसंद है। तो चलिए, यहाँ पे जो है सुबह सुबह सबके लिए मैं नाश्ता लगा देती हूँ और बाबू के लिए सब्ज़ी प्लेट में, ताकि जल्दी ठंडा हो जाए। और सुबह 5 बजे उठ के ही जो है मैं सब कुछ करने लगी थी तो 7:30 बजे तक बन पाया। और अभी जो है बाबू और मेरे हस्बैंड दोनों चले गए हैं काम पे, मतलब बाबू गए स्कूल और हस्बैंड गए काम पे। और यहाँ पे जो है देखिए चारों तरफ सामान फैला पड़ा है, सारा काम जो है अभी मुझे करना है। बाबू स्कूल जाने के बाद मेरा सिचुएशन कुछ ऐसा होता है, क्योंकि ना बाबू उठने से पहले जितना भी मैं किचन क्लीनिंग वगैरह सब कुछ करती हूँ, लेकिन वो स्कूल जाने के बाद भी हालत फिर से वैसा ही हो जाता है। फिर से मुझे काम शुरू से करना पड़ता है, सब कुछ डीप क्लीन करना पड़ता है, बिल्कुल सब कुछ सेट करके रखना पड़ता है, क्योंकि इस टाइम पे बच्चे घर पे नहीं होते हैं तो चीज़ें इधर उधर फैलाने के लिए कोई नहीं होता है। तो जैसे मैं रखती हूँ वैसे ही रहता है जब तक बाबू स्कूल से नहीं आ जाता है। तो फिर भी जो है अच्छे से सेट करना तो बनता ही है। तो यहाँ पे देखिए बाबू के बुक सेट करने के टाइम जो है बाबू ने सारे बुक्स कॉपी वगैरह इधर उधर फैला दिया था, सब कुछ मैंने एक साइड सेट करके रख दी है। और इस टाइम ना मच्छर बहुत हो गए हैं, 2-3 दिन के बारिश से ना इतने मच्छर हो गए हैं और बाहर बहुत ज़्यादा वायरस फैल रहा है, डेंगू मलेरिया। तो इसलिए ना मच्छरदानी मैं लगा लेती हूँ, क्योंकि बाबू का तबीयत ज़्यादा ठीक नहीं रहता है, उसमें अगर डेंगू मलेरिया ये सब बीमारी फैल रहा है तो डर तो लगता ही है। तो इसलिए इस टाइम ना मैं थोड़ा सा मच्छरदानी लगा लेती हूँ, और बारिश के बाद थोड़ा सा मच्छर भी लग रहा था तो इसलिए मच्छरदानी निकाल के अब जो रोज़ ही लगाती हूँ। तो उसके बाद देखिए थोड़ा सा टीवी मैंने क्लीन कर लिया है, ये मेरा रोज़ का ड्यूटी है, रोज़ मैं करती हूँ, जो कि रोज़ हर ब्लॉग में मैं शेयर नहीं कर पाती हूँ। तो थोड़ा सा टीवी को भी क्लीन किया है, क्योंकि ना जो आगे का खिड़की है वो खुला रहता है तो धूल मिट्टी कमरे में आता ही है, तो टीवी में भी थोड़ा सा धूल हो जाती है। तो रोज़ अगर थोड़ा थोड़ा करके क्लीन करो ना तो ज़्यादा गंदा नहीं होता है। अगर मैं हफ्ते में एक बार डीप क्लीन करने जाऊँगी तो उस टाइम में ज़्यादा गंदा होता है, लेकिन हफ्ते में एक दिन मैं डीप क्लीन भी करती हूँ और रोज़ रोज़ थोड़ा थोड़ा मैं उसके ऊपर से कपड़ा फेर देती हूँ, ताकि जो धूल है वो भी ना रहे और अच्छे से सब कुछ क्लीन रहे। तो टीवी क्लीन करने के बाद उस साइड का जो अलमारी है उसमें सारा सामान सेट करके वो भी मैंने क्लीन कर लिया है। अब जो है बेड को क्लीन करने की बारी है। और जैसे कि आप सभी को पता है मुझे म्यूजिक सुनते सुनते काम करना अच्छा लगता है, इसका ना एक रीज़न है, क्योंकि ना हर टाइम हमें काम करने का अच्छा नहीं लगता है, हम लोग बहुत बोर हो जाते हैं काम करते करते, कभी कभार ऐसा लगता है सारा काम छोड़ के बैठ जाओ, लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता है ना। तो एंटरटेनमेंट के लिए और मुझे ना ये सॉन्ग सुनते सुनते काम करूँ तो मुझे पता नहीं चलता है कब तक, मतलब कितनी जल्दी काम भी हो जाती है और गाना गुनगुनाते मैं सारा काम भी कर लेती हूँ, और इससे मुझे अलग से एक एनर्जी मिलती है काम करने की। इसलिए जब बाबू स्कूल चला जाता है उसके बाद मैं म्यूजिक, मतलब लाउड म्यूजिक सुना चला के मैं जो है घर का सारा काम करती हूँ। और उसके बाद देखिए यहाँ पे जो है टीवी का थोड़ा सा लाउड म्यूज़िक चला के उसके बाद यहाँ पे मैंने जो है बेड सेट करना स्टार्ट कर दिया। और मेरे पास ना एक कॉटन का बेडशीट जो कि यही है, जो मैंने 4-5 महीने पहले मैंने मंगवाया था मीशो से, बस यही है। लेकिन इसका कलर ना मुझे जब मैं मंगवाई थी इतना ज़्यादा डार्क कलर, इतना लाइट कलर था इसमें, मतलब देख के ऐसा लगता था वाह कितना अच्छा बेडशीट है, लेकिन ना एक हफ्ता यूज़ करने के बाद इसका जो कलर बिल्कुल फेड हो चुका है, बिल्कुल ख़राब हो चुका है, लेकिन जो है बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है। इसलिए मैं सोच रही हूँ ना दिवाली से पहले 2-3 और मैं कॉटन का बेडशीट मंगवाऊँगी ऑनलाइन, तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं मंगवाऊँगी। गर्मियों में ना ये जो कॉटन का बेडशीट है ना बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, और जो ऐसे नॉर्मल वाली बेडशीट है ना वो बहुत ज़्यादा गर्मी में और ज़्यादा तकलीफ़ होती है, उसमें लेटो तो और ज़्यादा गर्मी लगती है। और इतना कम्फर्टेबल है ना ये कॉटन का बेडशीट, और बच्चे जो है घर में खेल कूद करते रहते हैं, बेड पर चढ़ते हैं उतरते हैं, इसके वजह से ना
वो जो नॉर्मल वाले बेडशीट है ना वो नीचे की तरफ आ जाते हैं, लेकिन ये कॉटन का बेडशीट आप जैसे बिछा के रख दोगे ना वैसे ही रहेगी। उसके साथ साथ बेडशीट चेंज करने के साथ साथ जो तकिया की कवर है सब कुछ मैंने उतार लिया है धोने के लिए, तो इसे मैं सर्फ में भिगो दूँगी। और जो मच्छरदानी है इसे भी मैं अच्छे से फोल्ड करके रख देती हूँ, और जैसे तैसे रख दूँगी ना चूहा इसे काट देगा तो ऐसे रख देती हूँ। और ये जो मच्छरदानी है बहुत ही बड़ा है, जब मेरे पापा बाहर से लेके आए थे जब मैं घर गई थी तो मम्मी मुझे दे दिया था कि तुम एक ले जाओ, दो लेके आए थे तो मम्मी ने मुझे एक दे दिया था तो मैं वही लेके आई थी, और बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। बेडशीट और तकिया के कवर सबके साथ कुछ कपड़े भी मुझे जो है क्लीन करने हैं, धोना है, सब में भिगोना है, तो सारे कपड़े मैं बाहर रख के आई हूँ। उसके बाद यहाँ पे जो है फ्रीज को थोड़ा सा मैं क्लीन कर लेती हूँ, कवर चढ़ा हुआ है तो अंदर ज़्यादा गंदा नहीं होता है, लेकिन ऊपर ऊपर से भी क्लीन करना ज़रूरी है, और अंदर से तो मैं क्लीन करती हूँ। और ऊपर मैंने ना थोड़ा सा बड़ी रख दिया था, घर से आने के टाइम मैं बड़ी ले कर आई थी, उसमें ना इतना कीड़ा लग गया था मैं मुझे पता ही नहीं चला, आज जब मैं क्लीन कर रही थी ना तब मैंने कल मैं जब किचन क्लीन कर रही थी सुबह के टाइम तब मुझे मिल गया था, तो मैंने ऐसे थाली में धूप में डाल दिया था तो सारे कीड़े जो है निकल गए, लेकिन ना फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि दो दिन की और मैं धूप लगा दूँ इसलिए बाहर रख के आई हूँ। और जो है फ्रीज क्लीन करने के बाद जो है मैंने पंखा भी थोड़ा सा क्लीन कर लिया है, क्योंकि ना पंखा चलती रहती है तो उसमें धूल मिट्टी जो है अटक जाते हैं, तो वो साफ करने के बाद अभी जो है मैं थोड़ा सा झाड़ू लगा लेती हूँ। सुबह उठने के बाद उस टाइम बाबू हस्बैंड दोनों ही सो रहे थे, उसी टाइम पर मैंने जो झाड़ू लगाया था, उसके बाद अभी जब मैंने सब कुछ क्लीन किया ना थोड़ा सा जो है डस्ट तो हो ही जाता है, थोड़ा सा गंदा तो हो ही जाता है क्लीनिंग करो तो उस टाइम पर भी जो है झाड़ू लगा लेती हूँ। दिन में मैं कितनी बार झाड़ू लगाती हूँ मुझे भी पता नहीं होता, क्योंकि ना बाबू बाहर से खाली पैर अंदर चला आता है, कभी कभार चप्पल पहन के भी कमरे में घुस जाता है, तो इस वजह से ना मेरा जो फर्श है ना बहुत ज़्यादा जल्दी गंदा हो जाता है। तो चलिए यहाँ पे जो मैं झाड़ू लगा के बेडरूम क्लीन कर लिया, अब मैं किचन में आ गई हूँ, किचन का सारा काम कंप्लीट करती हूँ। सबसे पहले जो ऊपर वाला मेरा जो है डाइनिंग टेबल है इसे मैं क्लीन कर लेती हूँ। सबसे पहले जो साबुन और सर्फ से इसे मैंने अच्छे से घिस घिस के धोया है, उसके बाद इसमें जो है मैं एक क्लीन कपड़े से इसे मैं पोंछ भी लेती हूँ, और पूरा जो काउंटर है ऐसे ही मैं साफ़ कर लूँगी। और जो डिब्बे वगैरह देख रहे हैं ना वो बिल्कुल खाली है, तो मैंने ऐसे ही जो है यहाँ पे सेट करके रख दिया है, क्योंकि ना अपना इसमें डाइनिंग टेबल पे बैठ के जो है हम लोग खाना पीना नहीं करते हैं, खाना नहीं खाते हैं, तो इसीलिए इसके ऊपर ये सामान रखा हुआ है, और कोई बात नहीं है। और यहाँ पे देखिए मॉर्निंग में मैंने जो है ब्रेकफास्ट में बनाया था छोले आलू की सब्ज़ी, तो मुझे लग रहा है मैंने थोड़ा सा क्वांटिटी में कम ही बनाया था, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा हो गया है, तो मैंने यहाँ पे जो है एक कटोरी में करके रख दिया है। लंच में भी मुझे और कोई सब्ज़ी बनाना नहीं पड़ेगा, और छोले से ना मेरे हस्बैंड चावल पसंद नहीं करते, तो आफ्टरनून में जो है मुझे फिर से रोटी बनाना पड़ेगा, तो चलो कोई नहीं फिर बना लेंगे आफ्टरनून में, गरम गरम रोटी सेक लेंगे, अगर पराठा खाएंगे तो पराठा सेक देंगे गरम गरम। और यहाँ पे सब्ज़ी मैंने उठा के रख दी है, अब जो जितने भी डिब्बे वगैरह है ना सब कुछ यहाँ पे मैं सेट करके रख देती हूँ। और फ्रेंड्स आप लोगों को अगर मेरा जो डेली रूटीन मैं क्या करती हूँ क्या नहीं करती हूँ सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, ये ब्लॉग ये ऐसा वीडियो अगर आप लोग पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मुझे सपोर्ट करना, ढेर सारा प्यार भी देना फ्रेंड्स। और यहाँ पे जो हम कुर्सी रखा हुआ था तो कुर्सी में भी थोड़ा सा मैंने गीले कपड़े से जो है कुर्सी भी मैंने यहाँ पे पोंछ दिया है, जो कि मैं रोज़ नहीं कर पाती हूँ, तो एक दो दिन छोड़ के मैं क्लीन करती रहती हूँ। उसके बाद जो है किचन में भी मैं जो है झाड़ू लगा देती हूँ, और रोटी बनाने के बाद ना थोड़ा सा गंदा हो जाता है कि आटा वाटा गिरता है ना, तो उसके बाद यहाँ पे जो है देखिए कुर्सी हटा के भी जो है डाइनिंग टेबल के नीचे से सारे सब कुछ मैं यहाँ पे झाड़ू लगा के क्लीन
कर लेती हूँ और पूरे दिन ना ऐसे काम करने में निकल जाता है। और क्यों ऐसे इतना काम मैं क्यों करती हूँ, वो इसलिए करती हूँ कि मेरा घर साफ़ सुथरा रहे और कोई अचानक से आ जाए तो देख के कह दे वाह कितना साफ़ सुथरा रहती है, ये सब कुछ टिप टॉप रहे। और इससे ना मुझे भी अच्छा लगता है, मुझे भी एक पॉजिटिव वाइब मिलती है जो कि होना चाहिए हर घर में। लड़की जो ना एक लड़की जो है एक घर को नर्क भी बना सकती है और स्वर्ग भी बना सकती है, जो कि देख के पता चलता है। पहले ज़माने में ये कहते हैं कि लड़की या फिर बहू का किचन देख के पता चलेगा कि वो कितना साफ़ सुथरा है, क्योंकि किचन में जो है पूरे दिन हम लोग रहते हैं। वो किचन अगर गंदा रहेगा तो काम करने का मन ही नहीं होगा, और किचन देख के पता चलता है कि वो कितना साफ़ सुथरा है, कितना नहीं है, कितना लक्ष्मी है, कितना क्या है। तो वैसे ही है, और एक लड़की चाहे तो घर को स्वर्ग भी बना सकती है। ऐसा नहीं कि वो पैसे कमा के घर को अच्छे से सजाए, ऐसे नहीं है। जितना है जैसा है वैसे में खुश रह के सब कुछ टिप टॉप रखना, अच्छे से रखना, खुश रखना, तो लोग घर जो है अपने आप को खुश रखना, जितना है उतने में खुश रहना और सब कुछ सजा के रखना, अच्छे से रखना। मतलब मेरे पास जितना है मैं उतने में खुश हूँ, उतना ही सब कुछ मैं अपने मतलब मैं जितना कर सकती हूँ सब कुछ मैं करूँगी अपने घर को सजाने के लिए। जितना मेरे पास है उतने से कोशिश करूँगी। ऐसा नहीं मैं बहुत पैसा कमाना चाहती हूँ फिर अपने घर को सजाऊँगी, अब कुछ नहीं करूँगी, ऐसा नहीं। हम लोग जो लड़कियां हैं ना छोटी छोटी चीज़ों से ही अपने घर को सजा सकती है। हम हमारे घर को सजाने के लिए, घर को स्वर्ग बनाने के लिए इतना बड़ा सा कुछ नहीं चाहिए होता है। इसलिए कोशिश करती हूँ हर टाइम हर मिनट में कोशिश करती हूँ कि सब कुछ टिप टॉप रहे, सारा काम मेरा टाइम से हो जाए और अच्छा लगे। अच्छा लगता है, खुद से भी अच्छा लगता है, और घर टाइम जो है टाइम से सारे काम होने के बाद ना सबसे ज़्यादा ज़रूरी मैं खुद के लिए भी टाइम निकाल पाती हूँ। सुबह जल्दी उठने के बाद अगर सारा काम होने के बाद मुझे ना आधा घंटा मैं अपने लिए भी निकाल पाती हूँ, क्योंकि ना बाबू आता है 12 बजे, अगर मैं सुबह सुबह जल्दी उठ के सारा काम कर लेती हूँ, घर की साफ़ सफाई मेरे टाइम से हो जाती है, तो 11:30 बजे तक मेरा सारा काम हो जाता है डेली बेसिस में। अगर डीप क्लीन करती हूँ तो वो बात अलग है, 11:30 बजे तक मेरा सारा काम हो जाता है तो मैं आधा घंटा रेस्ट कर लेती हूँ। अगर लंच बनाना होता है तो आधा घंटा 15 मिनट में लेट जाती हूँ, रेस्ट करती हूँ, फिर जगह बनाती हूँ। तो ऐसा करती हूँ, मतलब ऐसे संभालती हूँ मैं सब कुछ, ऐसे ही मैं घर का सारा काम करती हूँ और कोशिश करती हूँ जो मेरा छोटा सा कुटिया है इसी में ही खुश रहने की कोशिश करती हूँ, इसी में मैं खुशी ढूंढ लेती हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है। और एक लड़की चाहे तो घर को स्वर्ग भी बना सकती है, चाहे वो छोटा सा घर क्यों ना हो, है ना। तो बहुत बातें मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर लिया है और बहुत बातें मैंने कह दी। तो अगर आप लोगों को ख़राब लगा हो तो सॉरी, अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो देखिए आप लोगों से बातें करते करते मैंने जो जितने भी सारे बर्तन सुबह के बर्तन थे ना, जो मैंने ब्रेकफास्ट वगैरह बनाया था, सारे बर्तन यहाँ पे मैंने क्लीन करके सारे बर्तन यहाँ पे मैंने सेट करने लग गई थी, और सारे बर्तन सेट भी कर दिया था। अब बर्तन सेट करने के बाद जो चूल्हा है इसे मैं जो है थोड़ा सा क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि दोपहर में मुझे और सब्जी वगैरह कुछ नहीं बनाना है, बस रोटी सेकना है, तो उसके लिए मुझे नहीं लगता है फिर आफ्टरनून में मुझे क्लीन करना पड़ेगा। बस ऐसे ऊपर से मैं कपड़ा फेर दूँगी तो साफ़ हो ही जाएगी, लेकिन जो है अभी मैं डीप क्लीन कर लेती हूँ तो आफ्टरनून में उतना क्लीन नहीं कर पाती, मतलब करना पड़ेगा। तो चलिए ऐसे भी मैं क्लीन कर लेती हूँ। Got you and your vibes in my mind, I can get them out no matter how hard I try. तो देखिए सब कुछ क्लीन करने के बाद मैं जो है बेडरूम और किचन में जो है पोछा लगा लेती हूँ। उसके बाद जितने भी कपड़े मैं बाहर रख के आई हूँ ना, सारे कपड़े मैं सर्फ में भिगो दी थी, और सारे कपड़े मैं अभी जो है पोछा लगा के क्लीन करूँगी, फिर मैं नहा लूँगी, और यहीं पे जो है मेरा मॉर्निंग रूटीन ख़त्म होता है। और ऐसे ही मैं जो है घर को साफ़ सुथरा रखने की कोशिश करती हूँ। और देखिए पहले जो मैंने दिखाया था ब्लॉग के स्टार्टिंग में, और अब देखिए भी इतना ज़्यादा क्लीन है और कितना अच्छा लग रहा है, और इतना सुकून मिलता है ना, ये सब देख के बहुत अच्छा लगता है। और घर के कामों में जो है मैं अपनी खुशी ढूंढ लेती हूँ। तो देखिए कितना ज़्यादा क्लीन है, सब कुछ सही से रखा हुआ है, और ये ज़्यादा देर के लिए नहीं है, ये बस 2-3 घंटे के लिए, जब तक बाबू स्कूल से नहीं आ जाता, उसके बाद फिर से सारा सामान फैला देगा, फिर से जो है इवनिंग के टाइम में मुझे सब कुछ सेट करना पड़ेगा। और किचन भी मेरा पूरी तरीके से क्लीन है,
तो चलिए आज का ब्लॉग मैं भी एंड करती हूँ। कैसा लगा आज का वीडियो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और फ्रेंड्स फैमिली के साथ जरूर शेयर कर देना। फिर मिलेंगे नए किसी ब्लॉग के साथ, तब तक टाटा बाय बाय।